So in this topic, we are going to discuss political views and issues based voting, that how our per political views, how our perceptions, misperceptions and how the existing issues influence our voting behaviour. Because this section, actually this will elaborate the fact that the voting behaviour of masses is less influenced by any ideology. रादर दैन ईशूज एंड कंसर्नस फॉर ट्रेड इन पोलिटिकल कंपेन आर एक्चुअल फैक्टर्स इन डिटर्मिनंग वोटर्स बिहेवियर यहाँ मैं ये वाजह कर दूँ कि दो तरह से इस डिबेट को हम देख सकते हैं इन वेस्टर्न वर्ल्ड वेयर द डेमोक्रेसीज आर स्ट्रोंगर वेयर द पोलिटिकल प्रोसेस इज़ कंसिस्टेंट in those states actually the ideology is also very much important but in the states where democracy is under process where the process of democratisation is under process in these states the election campaign and the issues they are much more relevant regarding to determine the voting pattern and regarding to the decision टू होम वी आर गोइंग टू कास्ट आर वोट हम उन बातों से जो कम्पेन में की जाती हैं बाज़ात उनके अंडर इन्फ्लुएंस आ जाते हैं और फिर बाज़ात वो इश्यूज़ जो हमें दरपेश होते हैं जैसे जो डेवलपिंग वर्ल्ड है जैसे पाकिस्तान जैसा माशरा है जहाँ जिन मसाइल के बारे में जो हम रोज़मर फेस कर रहे होते हैं इवन इलेक्शन कम्पेन में उन मसाइल पर जो पार्टी ज़्यादा बात करती है उनकी निशानदही करती है हम उन बातों से उन मसाइल के हवाले से अपने वोट को डिटरमिन करते हैं सो इन दिस वे एवरी पोलिटिकल पार्टी एंड इंटरेस्ट आर्टिकुलेटिंग प्लेटफॉर्म ट्राई टू हाईलाइट देयर ओन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट अलोंग विद इशूज़ इन देयर वोटिंग कंपेन वेन वी टॉक अबाउट इंटरस्ट आर्टिकुलेशन यहाँ इस अगर पहलू को हम समझ लें तो हमें सारी बात आसानी से समझ आ जाएगी इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का मतलब ये है कि जब कोई ग्रोह वो बात करनी शुरू कर दे जो हमारे मसाइल से मैच करती है यानी कोई सियासी जमात जब हमारी नब्स पर हाथ रख दे की नब्स पर हाथ रख कर अपनी इलेक्शन कंपेन को रन करे तो ज़ाहिर है उसके फॉलोअर्स का नंबर बढ़ जाएगा जैसे कहीं कि, किसी मुल्क में अगर महंगाई ज़्यादा हो रही है अगर किसी मुल्क के अंदर लोगों को रोजमर्रा जिंदगी गुजारने के हवाले से मुश्किल पेश आ रही हैं और कोई सियासी जमात उस हवाले से अपना मैनीफेस्टो दे दे उस हवाले से उन मसाइल के हल का कोई लाहल दे दे तो लोग उस सियासी जमात के साथ वाबस्ता होने में ज़्यादा उसको कंसिडर करेंगे इसी तरीके से हम वेस्ट को देख लें अगर तो वेस्ट के अंदर जो वेरियस स्कूल ऑफ थाट्स हैं चाहे वो कंजरवेटिव हैं चाहे लिबरल स्कूल ऑफ थाट हैं इन स्कूल ऑफ थाट ने जो पार्टी आइडेंटिफिकेशन के साथ खुद को रिलेट किया है यानी हर स्कूल ऑफ थाट एक पार्टी के ज़रिए अपने नज़रियात और क्याल का इज़हार करता है या पार्टीज ने इन स्कूल ऑफ थॉट को ऑप्ट किया है तो वहाँ ये मेकनिज़म किसी और तरीके से चलता है मसलन जो कंज़र्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट है बिकॉज देयर बेसिज ऑन देअर आइडियालॉजी देयर और बेस्ड ऑन देयर आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी एंड देयर स्लोगन्स

तो सोसाइटी के वो एलिमेंट्स जो इस नजरिए के फॉलोअर हैं वो इलेक्शन कम्पेन में उनको वोट देंगे ऐसे ही जो लिबरल स्कूल ऑफ थाट है उनका ये ख्याल है कि जो इम्पोर्टेंस है वो दैट इज़ ऑफ फ्रीडम दैट इज़ ऑफ वेलफेयर ऑफ़ द इंडिविजुअल्स। यानी जो लिबरल स्कूल ऑफ़ थाट है इनकी आइडियोलॉजी है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑन दैट बेसिस डेफिनेटली दे टॉक अबाउट द सोशल प्रोग्रेस ऑफ अ सोसाइटी अब वो लोग वो तबका फिक्र जो माशरे के अंदर इस नज़रिए का हामी है वो उस पार्टी को वोट देगा जो इस नज़रिए को प्रमोट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वेस्ट के अंदर या वो माशरे जहाँ सियासी जमातें अपने अपने नज़रिए को लेकर चलती हैं और उस नजरिए को वो कम्पेन का हिस्सा बनाती हैं यानी वो अपनी इलेक्शन कम्पेन में ऐसा प्रोग्राम ऐसा मैनिफेस्टो देती हैं जो उनके आइडियाज़ का मज़हर हो तो लोग इसी पार्टी आइडेंटिफिकेशन पर उन लोगों को वोट देते हैं लेकिन हमारे यहाँ हमारा प्रॉब्लम ये है डेवलपिंग वर्ल्ड का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सियासी जमातें इश्यू टू इशू अपनी पर्सपेक्टिव को अपने नज़रियात को लोगों तक पहुंचाती हैं यानी अगर कोई मसला आ गया उसको वो कैसे देखती हैं हमारे यहाँ एक परमानेंट आइडियोलॉजी लिंकेज आम तौर पर नज़र नहीं आता एक वक्त में वो पार्टीज़ जो ख़ुद को ख़ास तौर पर रिजिड पार्टी कहलाती थी मजहबी जमातें कहलाती थी फिर वो सियासी जमातें जो एक वक्त में ख़ुद को प्रोग्रेसिव पार्टीज़ कहलाती हैं हमने देखा कि सियासी अमल के दौरान में इन सब ने कहीं पर ख़ुद को मिक्स या अपनी आइडियोलॉजीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना छोडकर जैसे जैसे कोई मसला आता है जैसे जैसे कोई डेवलपमेंट होती है वो उस, उसके अकॉर्डिंग ख़ुद को मॉडिफाई अपनी आइडियोलॉजीज़ को मॉडिफ़ाई करती हैं तो अगर कोई ये कहे कि एक वक्त में वो एक पार्टी का इस वजह से मेंबर था कि उसका नुकतः नज़र ये था तो और वो आज दस साल के बाद वो ढूंढना चाहे तो उसको ये एहसास होगा कि बहुत सारी ऐसी जमातें मौजूद हैं जिनका ऑलमोस्ट एक ही तरह का नुक़ः नज़र है किसी भी हवाले से तो हम ये कह सकते हैं कि डेवलपिंग वर्ल्ड और डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर जो पार्टी आइडेंटिफिकेशन है दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पार्टी आइडेंटिफिकेशन टू होम वी वॉन्ट टू वोट हमने वोट अफराद को देना है या नज़रियात को देना है ये असल में वो डिबेट है जो तरक्की पजीर मुल्क जहाँ जमहूरीत का अमल मुसलसल नहीं है तसलसल तो से नहीं है वहाँ आमतौर पर यही कन्फ्यूजन यही डिबेट है जो लोगों तक एक क्लियर माइंडसेट नहीं पहुंचाती इसी वजह से इन मुल्कों के अंदर जो डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस है जो जमहूरी रवैये तश्ल नहीं पाते उसकी वजह पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना एक ऐसा कंफ्यूज्ड बिहेवियर है जो लोगों की सियासी तरबियत नहीं होने देता चुनाचे हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल व्यूज़ एंड इशू बेस्ड वोटिंग वहाँ मज़बूत है जहाँ लोगों की सियासी तरबियत हो रही है और सियासी जमातें उस तरबियत का हिस्सा हैं